हाँ जी, तो बाइनोमियल में मैंने आपको टाइप फोर बता दिया था सीरीज बेस्ड में, है ना। उस पर क्वेश्चन भी कर लिया था, एक क्वेश्चन उस पर और लेते हैं, है ना। आईटी का ही क्वेश्चन है पुराना। क्वेश्चन इज एनसीएम प्लस टू टाइम एन माइनस वन सी एम प्लस थ्री टाइम एन माइनस टू सी एम प्लस से लेके एन माइनस एम प्लस एम एम एन माइनस एम प्लस वन एन सी एम इज इक्वल्स टू एन प्लस टू सी एम प्लस टू। ऑब्वियसली एन इज गिवन एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ये प्रूव करना। ठीक है जी, तो अब तो ये मान ले कि लेफ्ट हैंड साइड एक सम है सीरीज का, वो पूछा है आपसे, उसका आंसर ये आएगा। नाउ जनरल टर्म, जनरल टर्म तो अपन ने देख ही ली। जनरल टर्म में तो ऊपर का सर बदल रहा है, नीचे का पैर फिक्स है, तो तुरंत दिमाग में आएगा टाइप फोर कि नीचे का पैर फिक्स है, ऊपर बदल रही है, तो क्यों ना इसको हम देखें कि दिस इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एम इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर एन। यस सर। तो बस, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एम इन वन प्लस एक्स की पावर एन। दूसरे को क्या लिख सकता हूं, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एम इन टू इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू। इस तरह से चलेगा मामला। ठीक, तो चलते चलते लास्ट में बोल देंगे हम एन माइनस एम प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन। क्या ये बात जम गई है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को हम ये बोल सकते हैं? यस सर। अब ये कौन सी सीरीज है? एजीपी सर, एजीपी एजीपी है हाँ, सर। एजीपी। अब अपन पहले साइड में एजीपी को सॉल्व करेंगे। तो सपोज इसको मैं बोलता हूं एस, है ना। तो एजीपी को सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले तो एस लिख लो, अब उसमें जनरल फंडा क्या बताया था, जिस फैक्टर से टर्म गुना हो रहे होते हैं, जिसको हम आर बोलते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म खिसका के लिख दो, याद है ना। यस सर। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो किससे गुना हो रहा है, हर टर्म वन बाय वन प्लस एक्स से गुना हो रहा है। इसमें वन बाय वन प्लस एक्स कर दिया तो ये आ गया, इसमें वन बाय वन प्लस एक्स कर दिया तो ये आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई वन बाय वन प्लस एक्स, इससे गुना कर दिया और एक एक कदम खिसका दिया, तो ये बन जाएगा, इधर लिखूंगा इसको वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। ऐसे चलते 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 देखो इसके पीछे वाला क्या होगा, n माइनस एम होगा, वो वन प्लस एक्स की पावर m बन जाएगा, और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा n माइनस एम प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स की पावर m माइनस वन। क्या ये बात सही है? हाँ जी, यस सर। अब घटाएंगे, तो घटाएंगे तो देखो एस में कॉमन आ गया वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, अब ये एज इट इज आ जाएगा वन प्लस एक्स की पावर एन। अब ध्यान दो इसमें से ये घटेगा वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन बचेगा, फिर अगले में थ्री में से टू घटेगा तो भी वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू बचेगा, और चलते 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 लास्ट में इसमें से जब ये घटेगा तो वन प्लस एक्स की पावर एम बचेगा, और ये माइनस में लास्ट में आएगा एन माइनस एम प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एम माइनस वन। अब एक बात बताओ मुन्ना, कि क्या ये कंप्लीट एक जीपी दिख रही है आपको? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ जी, इसमें कितने टर्म्स हैं?
माइनस एन प्लस वन। सर रिपीट कर दो, मेरी मीटिंग लीव हो गई। इसमें क्या घटाया है और ये जीपी है, जैसे एजीपी में जब घटाते थे तो ये जीपी नहीं बनेगी, इसमें फर्स्ट टर्म भी इंक्लूड हो गया जीपी में, तो ये एक जीपी है, इसमें कितने टर्म है? जीपी का फॉर्मूला लगाओगे ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपन आर माइनस वन, तो वो एन रखोगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन ज्यादा है, एन ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं इसको मैं थोड़ा पलट के लिख लूं, पलट के, ताकि थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा। इसको मैं पलट लेता हूं, पलटूंगा तो ये बनेगा वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस वन से लेके चलते चलते वन प्लस एक्स की पावर एम। अब आपको शायद अच्छे से दिख जाएगा कि शुरुआत से लेके यहां तक होता, अगर एक से लेके एन तक होता तो एन टर्म्स होते, और यहां तक कितने एम माइनस वन होते, तो एन में से एम माइनस वन घटाओगे तो एन माइनस एम प्लस वन टर्म है। Yes, sir, n minus m plus 1. हाँ बस, तो n माइनस एम प्लस वन टर्म्स की जीपी है। जीपी का फॉर्मूला लगा दो, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो 1 प्लस x की पावर m इंटू आर, आर क्या है, अब ऐसे बढ़ रही है तो आर 1 प्लस x है। Yes, sir. 1 प्लस x की पावर टोटल टर्म्स n माइनस m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और ये वाला टर्म एज इट इज आगे नीचे माइनस एन माइनस एम प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एम माइनस वन, और इधर एलसीएम लोगे वन प्लस एक्स वन वन कट जाएगा, तो ये आएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एस, सही है? यस सर। ये दो स्टेप मिटा दो, नोट कर लिए? कर लिए सर। यस सर। चलो अब देखो, अगर मैं ये वन प्लस एक्स और एक्स को उधर भेज दूंगा तो एस क्या बचेगा, एस विल बी, देखो ये वन से वन कट गया, ये एक्स है नीचे एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये वन प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, तो वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस एम प्लस वन प्लस वन, सॉरी माइनस वन, माइनस में एन माइनस एम प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एम एम अपॉन एक्स, सही है? वन प्लस एक्स पावर एम अपॉन एक्स कॉमन ही निकल जाएगा सर। अरे सुन तो ले, मुझे कॉमन कॉमन निकालना ही नहीं, अब सुन लो, अब मुझे क्या चाहिए था, इस पूरे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम चाहिए था ना, मेरा आंसर क्या है, आंसर क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम इन एस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम इन दिस। अब इसको थोड़ा और थोड़ा सा तरीके से लिखो, इसको मैं खोल रहा हूं, तो क्या लिखा हुआ है, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस वन में ये जोड़ोगे तो एन प्लस टू हो जाएगा, अरे पहली टर्म की पावर मिलाओगे तो ये हो जाएगा, हाँ जी यस सर, अगला टर्म ये आएगा और तीसरा टर्म ये आएगा। अब एक बात बताओ, खोपड़ी लड़ाओ, हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम, क्या यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम आ सकते हैं? भाई सबके नीचे एक्स है, ऊपर हाईएस्ट टर्म एक्स की पावर एम खुलेगा, नीचे वो एक्स से कटेगा तो एक्स की पावर एम माइनस वन ही तो बचेगा, हाईएस्ट नहीं आएगा। यस सर। तो हाईएस्ट एक्स की पावर एम माइनस वन है तो एक्स की पावर एम नहीं आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दो इसको। अब ऐसे ऊपर हाईएस्ट एम प्लस वन जाएगा, नीचे दो है तो हाईएस्ट एम माइनस वन जाएगा, तो यहां से भी नहीं आएगा हाई एक्स की पावर एम का कोफिशिएंट। यस सर, नहीं आएगा। बस अब तुम सोचो एक्स की पावर एम का कोफिशिएंट यहां से आएगा, अब यहां से एक्स की पावर एम का हमें चाहिए, नीचे टू है तो ऊपर एक्स की पावर एम प्लस टू का चाहिए, तभी तो वो टू टू कट गया, एक्स की पावर एम बचेगी इफेक्टिवली। यस सर।
तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एम प्लस टू इन वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस टू। आ गया एनसीआर, यही था आंसर। यस सर। बस आईआईटी जेई का प्रीवियस ग्रेड सर, लास्ट वाली इंक्लूड कर, ठीक है ना। चलो तो बस ध्यान रखे, अब आपके ऊपर है कि आप एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चीजें ध्यान रखें भाई, कम से कम ऐसी चीज अगर आ जाए तो आप करने लायक हो, है ना। और बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो छोटे छोटे टाइप की क्वेश्चन है, वो प्रॉपर्टी बेस्ड एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, मेंस वेंस में ज्यादातर उतना ही आता है, इतने लेंदी क्वेश्चन ये थोड़े से चांसेस कम है कि मेंस में आए। ठीक, हो गया सर, सभी कर लो, नोट कर लो। नहीं सर रुक जाओ सर, कर दो सर इरेज। चल तो अब अपन कुछ दो चार पांच ऐसी मिक्स्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, तो हेडिंग डाल दें मिसलेनियस क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, जो आपको अच्छा लगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेन सी आई 20 सी एम माइनस आई सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 टू एम इज मैक्सिमम व्हेन एम इज, दोनों आईटी जेई के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के और आसान है बल्कि। ध्यान दें क्या ये जो सीरीज है अपनी टाइप थ्री है, स्टैंडर्ड लोअर सबस्क्रिप्ट का सम फिक्स है। यस सर। तो देख यस सर, शिकार कैसे खेलेंगे, दोनों का सम फिक्स है तो 30 सी एम आएगा आंसर भाई। दिस विल बी सारे टर्म प्रेजेंट है, देखो जीरो से लेके एम तक, क्योंकि एम पे ये जीरो हो जाएगा फिर ये आगे नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या लिखा है, टेन सी जीरो ट्वेंटी सी एम प्लस
टेन सी वन 20c m माइनस वन, चलते चलते 10c m 20c जीरो। अब ये जीरो के आगे नहीं जा सकता, ये जीरो के पीछे नहीं जा सकता, तो सारे टर्म मौजूद है, सारे टर्म मौजूद है, तो बस इसका आंसर क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ x की पावर लोअर सब्सटीट्यूट का सम m इन एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर अपर सब्सटीट्यूट का सम 10 प्लस 20 30। तो क्या आंसर सीधा 30cm होगा। यस सर। बस तो मैक्सिमम आपको बताया है, जब इवन नंबर होता है तो मैक्सिमम कब होता है, जब ये वैल्यू एन बाई टू होगी, तो 15 पे होगा, याद है ना, 31 होंगे, 30c0, 30c1 यस से लेके 30c30 31 होंगे, तो बीच वाला कौन सा होगा, 32/2 16, 16 के लिए मतलब नीचे आएगा 15, तो 30c15 विल बी मैक्सिमम, एन 15 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। यस सर। बस हो गया। ठीक है ना, तो ये पर्पज है, ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो हमें स्टैंडर्ड चीजें याद हो तो बढ़िया है, आपका काम आराम से मस्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24 चाहिए इसके एक्सपेंशन में। अब आप खुद सोचो, चलो ये तो एक्सपेंड हो जाएगा, ये एक्सपेंड कैसे होगा, ये तो ऐसे एक्सपेंड होगा, 12c0 प्लस 12c1 टी स्क्वायर प्लस 12c2 टी की पावर 4 प्लस चलते 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 लास्ट हम आएगा 12c12 टी की पावर 24। ठीक है, लेकिन इसके बाहर देखो, अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूं तो क्या आएगा, 1 प्लस टी की पावर 12 प्लस टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 36 आएगा। यस सर। अब आप देखो क्या चाहिए आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर चाहिए 24। अब देखो 24 कैसे कैसे बन सकता है, ये कॉन्स्टेंट है, टी की पावर 24। चलो यार ये कॉन्स्टेंट है, ये टी की पावर 24 से गुना होगा तो 24 बन सकते हैं, मतलब 12c12 आ गया, एक तो कोफिशिएंट इधर से बना गया, फिर ये टी की पावर 12 है, ये किससे गुना हो, टी की पावर 12 से गुना हो, तो टी की पावर 12 मतलब आर की वैल्यू कितनी, 6। यस सर। 12 तभी आएगा ना जब इसकी पावर 6 चढ़ेगी, तो मतलब 12c6 हो गया। यस सर। यस सर। अब 24 कैसे बनेगा, जब ये 24 इस कांस्टेंट से गुना हो जाए तो प्लस 12c0 हो गया, भाई इधर से तो कोई कोफिशिएंट है ही यस नहीं, सर। अगर इधर इंटू टू होता तो यहां इंटू टू भी आता, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा। बस अब 36 तो किसी से भी गुना हो जाए वो आ ही नहीं सकता, 36 से 24 बनाने के लिए -12 यस चाहिए, और अंदर कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है, सारी पॉजिटिव है, तो बस ये आंसर आ गया आपका। तो आंसर क्या आ गया, 12c6 प्लस 2। बोलो, यस सर। बस हो गया, बता दे फिर से। यस सर। यस सर। चल चल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 49 इन एक्स माइनस सी वन अपॉन सी नॉट एक्स माइनस टू स्क्वेयर सी टू अपॉन सी वन एक्स माइनस थ्री स्क्वेयर सी थ्री अपॉन सी टू से लेके एक्स माइनस 50 स्क्वायर सी 50 अपॉन सी 50 49, ठीक है ना, और इसमें ये दे रखा है कि सी आई का मतलब क्या है, एन सी आई, ठीक है जी। फिर इसमें वो वाल करेंगे कि मतलब एन फोर्टी की वैल्यू टाइम्स भी दे एक्स रखी है, 50 सारे सी आई टाइम्स दे रखी है आगे। आपको, 50 सी आई है ना। ठीक, चल नाउ आप देखो, पहले तो अगेन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि यार एक बात बताओ बेटा, कि चलो इसको छोड़ो, मैं छोटे क्वेश्चन से बात करता हूँ, छोटे क्वेश्चन से। मान लो तीन चीजें हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ये है। तो
तो जब आप इसको खोलते हो तो क्या बनता है, ये आपको क्वाड्रेटिक से याद है, एक्स क्यूब बनता है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर बनता है, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स बनता है, और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बनता है, यही बनता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बता दो, तो आप कैसे लाए थे? आप ऐसे तो कहोगे कि दो ब्रैकेट से तो एक्स निकले और एक ब्रैकेट से कॉन्स्टेंट निकले, तो एक्स इंटू कॉन्स्टेंट मिलके एक्स स्क्वायर बनेगा। यस तो आप क्या कहोगे, मान लो शुरू में इन दो ब्रैकेट से एक्स एक्स ले लिया तो इधर से कॉन्स्टेंट निकलेगा दैट इज माइनस गामा, फिर इन दोनों से ले लिया तो कॉन्स्टेंट निकलेगा माइनस अल्फा, इन दोनों से ले लिया तो कॉन्स्टेंट निकलेगा माइनस बीटा, तो कोफिशिएंट क्या आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। यस सर अगर मैं कहूं आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बता दो, तो आप क्या कहोगे, एक से तो कॉन्स्टेंट, एक ठीक एक से एक्स निकले दो से कॉन्स्टेंट निकले, तो इन दोनों से निकलेगा तो बीटा गामा, फिर इसमें एक्स निकालोगे तो इन दोनों से अल्फा गामा, इससे एक्स निकालोगे तो अल्फा बीटा, तो ये आएगा कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यस सर यस सर तो बस जैसे ये छोटे ब्रैकेट्स में, ऐसे बड़े सीरीज में भी आप देखना कंफर्टेबल करो कि इसने क्या बोला, एक्स की पावर 49। अब आप सोचो दिमाग से कितने ब्रैकेट है, देखो ये एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, मतलब दीज आर 50 ब्रैकेट्स। यस अब सर 50 यही पूछ रहा था मैं 50 शुरू से। ब्रैकेट का मतलब है कि अगर एक्स की पावर 49 चाहिए तो एक्स 49 ब्रैकेट्स में से तो एक्स निकले, एक ब्रैकेट से कॉन्स्टेंट निकले। अब मान लो मैंने लास्ट के 49 ब्रैकेट से एक्स ले लिया और यहां से कॉन्स्टेंट ले लिया, तो वो क्या आएगा बाहर, माइनस वन स्क्वायर सी वन अपॉन सी नॉट। फिर मान लो मैंने दूसरे से कॉन्स्टेंट ले लिया बाकी 49 से एक्स ले लिया, तो क्या आएगा, माइनस टू स्क्वायर सी टू बाई सी वन, इस तरह चलते चलते माइनस थ्री स्क्वायर सी थ्री बाई सी टू, और एक लास्ट में केस आएगा जो मैंने लास्ट वाले से कॉन्स्टेंट ले लिया और बाकी ब्रैकेट से एक्स निकाल लिया, तो क्या आएगा, माइनस 50 स्क्वायर सी 50 अपॉन सी 59। क्या ये बात सही है, दिस विल बी यस सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 49। बस अब इसकी जनरल टर्म लिख लो इस सीरीज की, तो माइनस बाहर निकाल लो, सिग्मा आर स्क्वायर 50 सी आर प्लस वन अपॉन 50 सी आर, अगर मैं नीचे को आर बोलता हूं या ऊपर को आर बोलता हूं तो नीचे को आर माइनस वन बोल सकता सर, हूं, ऊपर आर नीचे आर माइनस वन है। ठीक है, तो आर बराबर वन से लेके 50 तक जा रहा है। यस सर अब देखो आपको ये प्रॉपर्टी याद है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन यस एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, और आर हम ऊपर वाले को बोलते थे, तो बस तो 50 माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। अब देखो ये आर स्क्वायर था, एक आर से एक आर उड़ गया, सिग्मा आर बराबर एक से 50, अब ये हो गया 51 आर माइनस आर और आर आर स्क्वायर, और ये माइनस भी था तो ये तो प्लस हो गया या माइनस हो गया, का सिग्मा आर बराबर एक से 50 का सिग्मा आर बराबर एक से 50, अब तो ये प्रोग्रेशन वाला सिग्मा रह गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस 51 तो बाहर आ गया, आर का सिग्मा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इधर एन यस सर इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, देखो 50 × 51/2 तो कॉमन आ गया, अंदर बचा माइनस 51 इधर में, और इधर 50 × 51 दो कॉमन आ गया तो 101/3 बचा, 101/3 एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो माइनस तीन 153 आएगा, ये 153 में से 101 चला जाएगा, कितना बचेगा, 42 नहीं 52, माइनस का 52 बचेगा, -52 पचास माइनस फिफ्टी इक्यावन इंटू 52 है ना, माइनस अपॉन तीन और दो 6 हो गया, तो देखो 2 से गया 3, 2 से गया 26, 3 से गया 17, आंसर विल बी माइनस 50 × 17 × 26, जो भी आ जाएगा दैट वुड बी योर आंसर। हाँ जी कोई परेशानी? नो सर नो सर ठीक है, तो अगर आप एक फ्लो में चले होंगे ना चैप्टर में, जैसे शुरुआत से जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी प्रॉपर्टियां फिर उस पर बिल्ड करा, फिर प्रॉपर्टी टाइप वन टाइप टू फिर मिक्स, तो स्मूथ लगेगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या आ गया है ना, पहली बार सुन के लगता है, बट अगर आप आराम से झेल पाओगे।
लेकिन अगर आड़ा तेड़ा जैसे बीच में से उठ के आ गए, ये देख लिया अरे यार ये तो बहुत टफ है यार ये तो फिर देखो लगेगा। सिस्टमेटिक चलो और प्रैक्टिस, अगेन विदाउट प्रैक्टिसिंग आपको देखने में अच्छा लगेगा, जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो होंगे नहीं। ठीक है जी, छाप लो इसको। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें अपन एक नई चीज देखेंगे जो अब तक अपन ने किसी क्वेश्चन में नहीं देखी है ना, तो एक वो भी मतलब क्वेश्चन कराने का मतलब क्या होता है कि हाँ ये भी एक्सप्लोर कर लिया, ऐसा है तो ऐसा करना, ऐसा है तो ऐसा करना, फिर उनको याद रखना ताकि जब आप फील्ड में जाओ एग्जाम में भिड़ो क्वेश्चनों से तो आपको पुराने फंडे याद हों कि देखो ऐसे में ऐसे डील करते थे। यही होता है पर्पज प्रैक्टिस का, यही एक्सपोजर होता है कि जितना ज्यादा आप एक्सपोजर ले लोगे मैथ्स में उतना ज्यादा आप जल्दी स्कोर कर पाओगे। शुरू शुरू में बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं कि सर हमसे मैथ्स नहीं होती, समझ तो सब आती है, नंबर क्यों नहीं आते, प्रैक्टिस घर पे हो जाते हैं वहां क्यों नहीं होते। रीजन इज ओनली दैट लैक ऑफ प्रैक्टिस है ना, उन लगता है तुम्हें वो तुम्हारे हिसाब से अभी कम है प्रैक्टिस, हो मतलब इतनी प्रैक्टिस हो कि क्वेश्चन देखते ही समझ में आने लगे कि मेथड ये करना है। और अगर सारे क्वेश्चन हम तो चाहिए नहीं, अगर हम पेपर में 12 क्वेश्चन भी ढूंढ लें, 25 में से 15 भी ढूंढ लें तो बहुत अच्छे डिसेंट मार्क्स आ सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है बता दें से नोट कर लिया तो यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, 2 की पावर k n0 है ना। ऐसे आपको पता है मैंने बताया था लिखने का तरीका nc0 ही होता है ये। प्रूव करना ही है ना, ठीक। तो देखो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रोडक्ट में आएंगे तो सबसे पहले अपन टाइप 3 टाइप 4 ही सोचेंगे, लेकिन टाइप 3 नहीं है। यस क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर ये फिक्स नहीं है, इसमें एन है फिर n-1 है फिर n-2 है फिर n-3 है, बदल रहा है ना, ऊपर का सर नहीं बदलता टाइप 3 में। फिर 4 में चलो सर ऊपर का बदलता है तो नीचे का फिक्स रहता है, नीचे का भी कुछ फिक्स नहीं है। चलो सर सीधा फिक्स ना दिख रहा हो कि आपका कोई गैप फिक्स हो, देखो इसका गैप n-k है, इसका n है, इसका n-1 है, इसका n-k है, दिख गया आपको? फिर इसका भी यस n-k सर है, तो ये टाइप 4 यस से क्वेश्चन सर हो सकता है, समझ गए? मतलब मैं ये बोल सकता हूं यस सर ये लिखा है 2 की पावर k n c0 n c k माइनस 2 की पावर k-1 n c1 n-1 c k-1 लिखा हुआ है, ठीक। फिर प्लस 2 की पावर k-2 n c2 n-2 k-2 एंड चलते चलते अल्टरनेट साइन के साथ -1 की पावर k एन सी के n-k c0। तो देखो अगर मैं इसका गैप देखू, ये nc n-k लिखा है, ये भी यस n-1 सर सी n-k लिखा है, ये भी n-2 c n-k लिखा है, और ये भी n-k c n-k लिखा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-k, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-k इन 2 की पावर k इंटू nc0 माइनस 2, या उल्टा लिखे से पहले लिखू मैं nc0 इंटू 2 की पावर k -2 की पावर k-1 nc1 इंटू 2 की पावर k-1, फिर प्लस nc2 इंटू 2 की पावर k-2, चलते चलते लास्ट में -1 की पावर k nc k into 2 की पावर k-k हो गया।
यस सर। ठीक। अब मैं ऐसा कर सकता हूं, 2 की पावर k बाहर निकाल सकता हूं। भाई यस जो सर। जो नीचे बनाएगा मुझे ऊपर वो चाहिए, तो मैंने क्या करा, 2 की पावर k बाहर निकाल लिया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के इन 2 की पावर k बाहर निकाल लूंगा, तो NC0 × 1 फिर −NC1 × ½ की पावर 1 +NC2 × ½ की पावर 2 से लेके चलते चलते −1 की पावर n × NC k × ½ की पावर k। क्या ये सीरीज बन गई अंदर ब्रैकेट में? बोलो ये सीरीज बन गई क्या? यस NCr × x की पावर r × −1 की पावर r, तो ये क्या लिखा है, −1 की पावर r × NCr × ½ की पावर r का सिग्मा r = 0 से n। सॉरी n नहीं है, ये पूरी सीरीज नहीं है ना, यस सर। नहीं है ये k तक ही है, 0 से लेके k तक है ये। समझ नहीं बात? यस सर। एक ऑफ सेकंड, एक्स की पावर मैंने एन माइनस एक चीज तो बताई ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n − 1 k। एक सेकंड, इसके साथ में ये भी तो आएगा टर्म, 1 + x की पावर k, है यस। ना? सीरीज हमने सही थोड़ी लिखी है यार, रुको गड़बड़ हो गई। यही कह रहे थे सर। भाई NC0 × 2 की पावर k तो चलो आ गया, इनटू में ये इसका ये क्या है, कोफिशिएंट एक्स की पावर के माइनस के इन 1 + x की पावर k, नहीं सॉरी 1 + x की पावर n, तो इसके साथ आएगा 1 + x की पावर n आएगा, फिर दूसरे टर्म में क्या आएगा, −NC1 × 2 की पावर k − 1 n − 1 c k − 1। इस तरह चलते चलते लास्ट में ये सब सही है और इनटू में आएगा 1 + x की पावर n − k आएगा। सही है? सर एक्सपेंशन नहीं आएगी सर वहां पे, 1 + x की पावर n − 1 क्या? सेकंड वाले, सर सेकंड वाले में 1 + x की पावर अच्छा n माइनस वन नहीं हाँ, आएगा। वो तो सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ना। यस ठीक है जी, ये चलेगी सीरीज। यस नाउ अगेन चलो, इसकी पावर n है, इसकी पावर n − 1 है, तो मुझे 2 की पावर k बाहर निकालना पड़ेगा, 2 की पावर k। तो जैसे मैंने अभी बताया था ना 2 मिनट पहले, भाई जो यहां है मैं चाहता हूं वो यहां बन जाए, तो मैंने 2 की पावर k बाहर निकाल लिया, 2 की पावर k बाहर निकाल लिया, देखो क्या बन गया, NC0 × 1 + x की पावर n −NC1 × 1 + x की पावर n − 1। 2 की पावर k बाहर निकाल लिया, तो 2 की पावर −1 मतलब ½ की पावर 1 हो गया। यस सर। तो देखो बस बन गई सीरीज, 1 + x की पावर n − 2 × ½ की पावर 2 से लेके चलते 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 लास्ट में NC0 × 1 − 2, लास्ट में ये आ गया आपका −1 की पावर k NC k, 1 + x की पावर n − k × 1/2 की पावर k, ये आ गया। यस अब आप ध्यान से देखो, क्या ये सीरीज आपको देखो
एनसीआर ए की पावर एन बी की पावर जीरो है, फिर एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, एनसी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, ऑल्टरनेट साइन के साथ दिख रही है। हाँ जी, तो मैं आपको कह रहा था कि क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है, एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी मतलब माइनस हाफ की पावर आर का सिग्मा दिख रहा है आपको, जीरो से के तक का, बोलो। यस सर। तो इसको ए प्लस बी की पावर एन लिखने के लिए तो सारे टर्म मौजूद होने चाहिए, पर यहां सारे टर्म मौजूद नहीं है, यही तो लफड़ा है सारे यहां। टर्म्स नहीं है सर। यस सर। हाँ, तो अब वो ट्रिक काम आएगी जो मैंने कल बताई थी। मैंने याद है मैंने कल एक सीरीज में कुछ टर्म्स जोड़ दिए थे, मैंने कहा था देखो ये जोड़ने से हमारे क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट हमारा काम आसान हो जाएगा। तो वैसे ही आप सोचो मुझे चाहिए कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस के, ये एक्स की पावर एन माइनस के है तो इसमें हाईएस्ट कोफिशियंट एक्स की पावर एन माइनस के होगा। अगर मैं इसके के बाद के टर्म्स जोड़ता हूं, सपोज इसका जो अगला टर्म होगा माइनस वन की पावर के प्लस वन एन सी के प्लस वन वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस के माइनस वन और हाफ की पावर के प्लस वन, क्या यहां से कभी भी एक्स की पावर के आ सकता है एन माइनस के? भाई हाईएस्ट ही एन माइनस के माइनस वन तक जाएगा नहीं तो आ एन माइनस सकता। के तो कभी नहीं आ सकता। यस सर। यस तो इसके आगे के जितने भी टर्म है, लास्ट टर्म जो होगा दैट इज माइनस वन की पावर एन एन सी एन हाफ की पावर एन, तो ये सारे टर्म्स में से है ना, तो कितना शिकारी स्टेप है ये। कल जो मैंने बताया था मैंने कहा था हलुआ मत समझ लेना, बिकॉज देखो यहां अपनी सीरीज अटक गई तो अपना काम नहीं हो रहा, लेकिन हमने दिमाग लड़ाया ये जोड़ने से कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, तो मैंने कहा यहां से कभी भी एक्स की पावर एन माइनस के नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, इसलिए हमने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो सीरीज कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई तो ये बन गई और ये बन गई मतलब दिस इंटू टू की पावर के, तो अब ये बन गया टू की पावर के इंटू ए माइनस बी, तो वन प्लस एक्स माइनस बी की पावर एन, जीरो से एन बन गई ना पूरी, जीरो से एन बन गई तो ये बन गया। यस हाँ जी, क्या मुझे इसके अंदर कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस के चाहिए? यस सर। और ये वन माइनस हाफ बन गया हाफ, तो दिस इज टू की पावर के हाफ प्लस एक्स की यस पावर एन, ठीक है बोलो। सर। यस सर। अब इसमें मुझे कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस के चाहिए, अब इसकी पावर अगर एन माइनस के हो जाएगी तो हाफ की पावर के होनी पड़ेगी तभी तो सम एन आएगा। यस सर। तो देखो यहां से आंसर क्या आएगा, एन सी एन माइनस के एक्स की पावर एन माइनस के इंटू हाफ की पावर के, ये तो कोफिशिएंट चाहिए तो ये तो हटाई दो, और इंटू टू की पावर यस सर। के, तो देखो टू की पावर के, टू की पावर के कट गया, तो आंसर क्या आ गया एन सी एन माइनस के, इसमें एन सी एन माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा एन सी के, हिंदुस्तान पेट्रोल। कितना धाकड़ कॉन्सेप्ट लगा है, दोबारा सुन लो कि हमने पहले तो ये पहचाना टाइप फोर का क्वेश्चन है कि एनसीआर एनसी ये सीधा इनका गैप गैप फिक्स था, तो मैंने पहचान लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के एन माइनस के, है ना, नीचे एन माइनस के एन माइनस के एन माइनस के आ रहा है इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अब इसमें देखा ये अगर हमें सीरीज बनानी है तो एनसीआर ए की पावर एन भाई इंटू बी की पावर एन माइनस आर चाहिए, टू की पावर के बाहर निकाल लिया, उससे क्या हुआ एन माइनस वन प्लस वन एन माइनस टू प्लस टू सबका एक्सपेंशन बन गया, फिर टर्म पूरे नहीं थे, पूरे नहीं थे तो मैंने सोचा आगे के टर्म्स अगर होते तो भी क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कहा ले बेटा तू ले खुश हो, खुश होने के बाद हमने कहा ये सीरीज बन गई, सीरीज बन गई तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया, ये इसका एक्सपेंशन था। नाउ इसमें हमने एक्स की पावर एन माइनस के कोफिशिएंट निकाल लिया, वो आपका आंसर आ गया, कोई परेशानी। सर लास्ट वाला स्टेप दोबारा से करा दो सर। बिल्कुल लास्ट वाला सर, जहां पे हमने वैल्यू निकाली। भाई ये आ गया ना आपका एक्स प्लस हाफ, हाफ प्लस एक्स की पावर एन में अगर मैं पूछूं एन माइनस के का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स की पावर अगर एन माइनस के आएगी तो हाफ पे पावर के आएगी, तो एन सी एन माइनस के इंटू हाफ की पावर के आएगा कोफिशिएंट यहां से, यस सर। भाई साइड में देखो ऐसे देखो आप, मान लो ऐसा क्वेश्चन है हाफ प्लस एक्स
की पावर एन की जनरल टर्म क्या होगी, एनसीआर हाफ की पावर एन माइनस आर इंटू एक्स की पावर आर। अब ये आर की वैल्यू आपको क्या चाहिए, एन माइनस के ना, तो अगर आर की जगह मैं एन माइनस के रख दूंगा तो यहां ये के बन जाएगा, ये एन माइनस के बन जाएगा, तो कोफिशिएंट तो यही बन गया ना, एन सी एन माइनस के इंटू हाफ की पावर के, उससे टू की पावर के कट गया, टू की पावर के कट गया उससे, तो बस आंसर क्या आ गया, एन सी एन माइनस के, एन सी एन माइनस के को आपने प्रॉपर्टी लगा दी तो एन सी के बन गया, एन सी एन बराबर एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर लगा दिया तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो देखो थोड़ा आई कैन अंडरस्टैंड कि अब फर्स्ट टाइम अगर 11th में आप हो जैसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है ना, पहली बार में भी आपको दिक्कत आए, बट ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वो रीच है ना, आप कर सकते हो आराम से, देखो कोशिश करो, कोई डाउट है तो मैं हूं बताने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ी सी चीजें हैं, तो वो जो मैं देखो पिछले 5 दिनों से नहीं तो 4 दिनों से कम ये सीरीज के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है, वरना मैं खड़ा खड़ खींच सकता था कि क्वेश्चन भाई तसल्ली बख्श आपको चीज की, कभी आप पढ़ो तो आपको लगे हाँ यार क्लियर है सर, ठीक है ना, तो अच्छे से एकदम हर टाइप का क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस धीरे धीरे अपन देखो, कभी कल परसों की क्लास में मिलते 3-4 क्वेश्चन ही हो पाए थे, तो उसको कराने के पर यही है कि आप एक एक चीज सीख पाओ एक एक स्टेप में, मैं जल्दी जल्दी करा के खेच जाऊंगा बाद में आपसे कुछ हिलेगा ही नहीं क्वेश्चन, फिर फायदा क्या हुआ, तो एक एक चीज जहां मैं मतलब जहां जो जो मैं गलती कर रहा हूँ कि ऐसे ना कर दे वैसे ना कर दे, तो देखो एक एक चीज हमने देखी, एक एक चीज सीख रहे हैं, चालाकियां सीखी, ये बीच में एड ऑन करा, ये करा वो करा। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड दिखाता हूं जिसमें नई चीज सीखने वाले हैं जो अब तक नहीं देखी है ना, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो इजी है, मतलब वैसा क्वेश्चन तो आ भी सकता है ना, ये थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है मिटा दो इसको मैं। यस सर। तो ये हमने किस एंगल से क्वेश्चन सोचा, टाइप 4 के एंगल से सोचा, और टाइप 4 की प्रॉपर्टी के डेरिवेशन में जो फंडा यूज हुआ था एक्स्ट्रा टर्म्स एड ऑन करने का, वो मैंने बताया इसमें, वही ने काम करा, अदरवाइज क्वेश्चन अटक जाता अपना। नाउ अब मैं इसको मेथड 2 बता रहा हूं और वो जबरदस्त एकदम आपको क्या है, ये तो बहुत ही आसान है ना, आप जनरल टर्म लिख लो एक बार, ये अपना स्टैंडर्ड टाइप 3 4 कुछ नहीं दिख रहा हमें, मान लो आप जनरल टर्म लिख लो बस, ठीक है ना, मुझे टाइप 3 भी नहीं दिख रहा, टाइप 4 भी नहीं दिख रहा, जनरल टर्म क्या है, एनसीआर 0 1 2, 2 की पावर k-r 0 1 2 चल रहा है, इंटू एन माइनस आर सी के माइनस आर, ये लिखा हुआ है, इंटू -1 की पावर r का सिग्मा r बराबर 0 से k, क्या ये लिखा हुआ है क्या भाई साहब, ये बता दो मेरे को, मिला लो, किसी को परेशानी हो, एक एक टर्म NC0, NC1, NC2, माइनस का प्लस माइनस प्लस, 2 की पावर k 1 रखा k-1, 2 रखा k-2, फिर NC k 1 रखा n-1 CK-1, लास्ट में k रखोगे n-KC0, क्लियर है, सर यही स्टेप पूछ रही थी सर, ऐसे ही पूछ रही थी, वो बताना नहीं आ रहा था। हाँ ठीक, लेकिन ये कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं है ना, ये तो अब मैं कुछ करूंगा इसमें जुगाड़, लो अब इसमें स्टैंडर्ड क्या है, जो हमने अब तक स्टैंडर्ड पढ़ा बताओ कैसे करोगे, लो आप ये थोड़ी बोल दोगे कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है, तो आप बोल दोगे दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स की पावर 2n-r, अगेन वो तो वेरिएबल है, टाइप 3 ले सकता ना, हाँ लेकिन अपन यस जनरल टर्म से सोच सकते हैं। अब देखो मैं क्या खेल खेलने वाला हूं, जबरदस्त तरीका, आपको मजा आ गया है, इसको खोल दो एक बार, एन फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और ये आपको क्वाइट इजी लगेगा ना, पिछला मेथड शायद आपको टफ लगे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे समझ लो, n-r फैक्टोरियल k-r फैक्टोरियल एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो n-k फैक्टोरियल, सही है, नाउ देखो n-r फैक्टोरियल कट गया, अब आप सोचो एनसीआर क्या होता है, एनसीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, तो नीचे जो दो टर्म आते हैं
एक में तो आर आता है वेरिएबल जो उसके पैरों में आता है, और दूसरा एन में से घट के आता है, और दोनों में आर दिखाई देता है आपको, वेरिएबल पार्ट यही होता है भाई। एन फैक्टोरियल अपॉन एक तो ये वेरिएबल और एक एन में से घट के आता है वेरिएबल, तो आपको वेरिएबल दो जगह दिखाई दे रहा है, एक तो ये आर फैक्टोरियल और एक के माइनस आर फैक्टोरियल, तो इन दोनों को देख के फील आ रही है कि ऊपर के फैक्टोरियल होना चाहिए, तो ये के सी आर बन जाएगा। तो मैंने के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उसका फायदा देख लो, ये तीनों क्लब हो जाएंगे और ये अलग से क्लब हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल भाई, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करा, तो ये तो बन गया एन सी के और ये बन गया के सी आर, हाँ जी सर। नाउ दिस इज द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, बिकॉज सिग्मा तो आर में है, आर वेरिएबल पार्ट है, के और एन तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको उठा के बाहर फेंक दूं, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, एनसीके इंटू टू की पावर के भी बाहर निकाल लिया, आर वाला पार्ट अंदर छोड़ूंगा सिर्फ वेरिएबल वाला, सिग्मा आर बराबर जीरो से के, देखो माइनस वन की पावर आर और टू की पावर माइनस आर और इंटू के सी आर। अब आप ध्यान से देखो क्या ये लिखा है, के सी आर इंटू ये टू की पावर माइनस वन मतलब वन बाई टू और माइनस, तो माइनस हाफ की पावर आर का सिग्मा आर बराबर जीरो से के। क्या आपको ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशन दिख गया, के सी जीरो प्लस माइनस के सी वन हाफ प्लस के सी टू हाफ स्क्वायर से लेके अब टू के सी के माइनस हाफ की पावर के, ऑल द टर्म्स आर प्रेजेंट, सो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस हाफ की पावर के। बस तो एन सी के इंटू टू की पावर के, ये टू की पावर के, ये हाफ की पावर के से कट गया, आंसर इज एन सी के, हिंदुस्तान पेट्रोल, जबरदस्त मेथड है ना। तो ये इस क्वेश्चन में लग गया तो लग गया, तो ये भी एक ट्रिक हमने देख ली कि कभी कभी वेरिएबल वेरिएबल होता है सब कुछ, लेकिन सिग्मा के अंदर थोड़ा सा गोलमोल कर दो तो चीजें एडजस्ट हो जाती है। क्लियर है? बस ठीक। चालू इसको, हटा दे यस सर। चलो ठीक है, तो बहुत हो गया सीरीज वीरीज पे क्वेश्चन, है ना, दिस इज ऑल अबाउट, फिर भी एक दो चीजें कुछ और हैं वो मैं लास्ट में मिसलेनियस में ले लूंगा, ठीक है, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत यूज होगा या डबल सिग्मा वगैरह, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको दिखा देंगे लास्ट में। अभी के लिए जो बात करते हैं दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल हो गया, नेक्स्ट इज मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। जैसे मान लो के वन एक्स प्लस के टू वाई प्लस
K3Z की पावर n, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यहां पे भी, है ना, तभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे दो की जगह तीन टर्म आ गए अंदर मान लो, है ना, और जो तीन टर्म है वो ऐसे अलग अलग नेचर के हैं, मान लो एक्स वाई जेड इस तरह से। तो अगर मैं इसमें पूछता हूं आपसे पहली चीज, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर बीटा, जेड की पावर गामा क्या होगा? तो पहली बात तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर एन है तभी वो कोफिशियंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लो बाइनोमियल में भी तो यही था कि ए प्लस बी की पावर जब एन करते थे तो हम कोई भी टर्म लिखते थे कि ए स्क्वायर बी की पावर एन माइनस टू, इनकी पावर्स का सम हमेशा एन होता था या नहीं होता था? कभी ऐसा कोई टर्म देखा था आपने कि मान लो ये तो 6 है और मैं कहूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म बता दो इसके अंदर, होता ही नहीं था, याद है ना भाई? इसके अंदर जो टर्म आते थे वो या तो आएगा बी सिक्स या आएगा ए बी फाइव या आएगा ए स्क्वायर बी फोर या आएगा ए क्यूब बी क्यूब या आएगा ए स्क्वायर बी फोर या आएगा ए बी फाइव या आएगा ए की पावर फोर बी स्क्वायर या आएगा ए फाइव बी या आएगा ए सिक्स, यही टर्म्स होते थे। क्या इसके अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलता था क्या? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, जो वेरिएबल पार्ट्स है उनकी पावर्स का सम एन होता था तभी वो कोफिशियंट होता था। तो यहां पे भी कंडीशन लगेगी, यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो पूछा है अगर वो एन है तो आंसर आएगा, और अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एन नहीं है तो कोफिशियंट जीरो आएगा क्योंकि वो होगा ही। अब जब होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एन तो क्या होगा, तो वहां क्या होता था कोफिशियंट? वहां होता था एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू, अगर मान लो मैं बोलता था 2x+3y की पावर है तो 2 की पावर आर इंटू 3 की पावर एन माइनस आर, यही होता था। टू की पावर एन माइनस आर इंटू 3 की पावर आर, ऐसा होता यस था। तो अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं इसको बीटा बोल दूं, तो एन फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर एन होता था, ऐसे बोल सकता था। अल्फा प्लस बीटा हमेशा एन है तभी आंसर आएगा, अगर वह जाएगा नहीं, जब आएगा तो ये पावर है वो यहाँ, यहाँ फैक्टोरियल जो है उसकी पावर, ऐसी होता ना। तो यार इसमें क्या समझनी है, एन माइनस आर को बोल दो अल्फा और आर को बोल दो बीटा, तो क्या अल्फा प्लस बीटा मुन्ना लाडले एन हो गया? यस तो ये कोफिशियंट को क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एन फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा, किसका कोफिशियंट है ये? एक्स की पावर अल्फा और वाई की पावर बीटा का कोफिशियंट है, क्या ये होगा इसकी एक्सपेंशन में? हाँ, तो बस रिलेट करने के लिए बताया है, नहीं समझ में आए बाहर में जान दो, तुम तो याद कर लो ये कि ये ऐसा होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, के वन की पावर अल्फा, के टू की पावर बीटा, के थ्री की पावर गामा, ये होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर बीटा, जेड की पावर गामा इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, ये अगर है तो ऐसा होगा, नहीं है तो वो कभी नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं बस। ओके सर, इसको हटाओ, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, मान लो क्वेश्चन आ गया 3x-4y+5z की पावर 25 है, और आपसे इसमें पूछ ले कॉफिशियंट ऑफ, पहला x²y³z⁴, सेकंड x²y³z², ठीक है। तो जैसे आपसे पूछा, आपने देखा ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल थ्योरम लगेगी, तो आपने देखा क्या 2+3+4 25 के बराबर है क्या? नो सर, जीरो है। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। नाउ अब 20+3+2 25 है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 25 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा,
20 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू k1 की पावर अल्फा, तो 3 की पावर 20 माइनस 4 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, ये आपका कोफिशिएंट आ गया, आंसर आ गया। यस बस हो गया, और क्या इसकी भी एक्सपेंशन ऐसी होगी जैसे मतलब कि एक एक घट रहा था और एक एक बढ़ रहा था, मतलब जब एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल छोड़ो, हाँ वो टर्म सारे मिलेंगे पर एक एक का मतलब नहीं है, यहाँ तीन है तो यहाँ अलग अलग सेट बनेंगे। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ तीन की बात करूं तो एक्स वाई जेड भी होगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड जीरो भी होगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड जीरो भी होगा, एक्स स्क्वायर जेड वाई जीरो भी होगा, एक्स क्यूब वाई जीरो जेड जीरो भी होगा, ऐसे अलग अलग सेट से बनेंगे ना, तो वो छोड़ो वो काम का नहीं, जितना काम का वो सिर्फ ये कि किसका कोफिशिएंट ये होगा। ठीक है एक मान लो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसकी हेल्प से। अब ये तो था, चलो अलग अलग जब आ जाए तब तो ऐसे करना ही पड़ेगा, लेकिन मान लो सभी टर्म्स एक्स के टर्म्स में हो, क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन 4 माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर की पावर 20। तो आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरू में करवाया था और वहां मैंने इस टाइम ये भी बताया था कि इसको हम दूसरे मेथड से सीखेंगे मल्टीनोमियल से जो बाद में बताया जाएगा, वो बता रहे हैं। अदरवाइज पहले हमने कैसे करा था ये क्वेश्चन आपको याद है, इसको ए मान के इसको बी मान के करा था मेथड वन से वहां कि 20c0 4 माइनस 3x की पावर 20, फिर 20c1 4 माइनस 3x की पावर 90 इंटू 7x स्क्वायर, फिर 20c2 4 माइनस 3x की पावर 18 इंटू 7x स्क्वायर की पावर इतनी 2, और फिर उसके बाद 7x स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगा, मतलब इसके आगे जितने भी टर्म होंगे वहां से कभी भी x की पावर y नहीं आएगा। yes. तो बस यहां से हमने सीधा लिखा था x की पावर 5 क्या था, 20c0 तो था ही, उसके बाद 20c5 4 की पावर 15 इंटू माइनस 3 की पावर 5, फिर यहां से 20c1 तो था ही, यहाँ पावर बाहर 2 है तो x की पावर 3 चाहिए अंदर से, तो 19c3 4 की पावर 16 इंटू माइनस 3 की पावर 3, फिर प्लस 20c2 तो था ही, और फिर यहाँ पे देखो 12x की पावर 4 तो है ही, ये इंटू 7 भी आएगा, यहाँ 12x की पावर 4 है और 49 तो आएगा, तो अंदर से x चाहिए x, तो 18c1 4 की पावर 18 इंटू माइनस 3 की पावर 1, याद है क्या ऐसे करा था ये क्वेश्चन हमने, मतलब सिमिलर टाइप का। नाउ अब हम मल्टीनोमियल से कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि आप ये सोचो कि x की पावर 5 बनाना है ना, तो x की पावर 5 कैसे बन सकते हैं, जैसे मान लो एक तो आएगा x स्क्वायर का टर्म आएगा यहां से, एक तो आएगा यहां से कांस्टेंट आएगा, और इधर से x का टर्म आएगा और इधर से x स्क्वायर का टर्म आएगा। आपको पता है कि तीनों की पावर का सम पहली बात तो 20 होना चाहिए, 20, और x की पावर 5 बनाना है, तो x की पावर 5 बनाने के लिए क्या सबसे पहले मैं अगर इसकी पावर 5 ले लूं, इसकी पावर 0 ले लूं और इसकी पावर 15 ले लूं तो काम चल जाएगा? सर ये दोबारा से बता दो सर। भैया इसके एक्सपेंशन में अभी बताया ना मैंने, इसकी पावर कुछ, इसकी पावर कुछ, इसकी पावर कुछ आएगा, उन सबकी पावर का सम 20 आएगा, तो हमेशा पावर का सम तो 20 चाहिए, ऊपर से मुझे x की पावर 5 बनाना है, तो x की पावर 5 कैसे कैसे बन सकता है, अगर मैं इसकी पावर 5 ले लूं, इसकी 0 ले लूं, इसकी 15 ले लूं तो क्या 20 बन जाएगा और उसमें x की पावर 5 आ जाएगा? यस सर। हाँ अब सोचो मान लो इसको मैं 4 कर दूं, तो यहां से x की पावर 4 आ गया, अब अगर एक इसको देता हूं तो 4 और 2 6 बन जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां से x की पावर 4 करोगे, x स्क्वायर की पावर 6 करोगे, तो मुन्ना x की पावर 6 नहीं बनेगा क्या? Yes, तो बस ये पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा सोचो, तो मान लो यहां से पावर 3 दे दूं और यहां पे पावर 1 दे दूं, तो 1 देने पे यहां से x स्क्वायर आएगा, 3 देने में यहां से x क्यूब आएगा, तो x की पावर 5 बन जाएगा, तो पावर 3 यहां, 1 यहां, 4 तो 16 यहां देनी पड़ेगी, मतलब ये भी एक पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, अगर यहां 2 कर दोगे तो यहां 2 दे नहीं सकते, फिर यहां 1 कर दो, यहां 2 दे दो,
यहाँ पावर दो दोगे तो एक्स स्क्वायर की पावर दो दोगे तो एक्स की पावर चार आएगा, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर पांच आ जाएगा, और फिर यहाँ दो और एक तीन और एक 17 यहाँ दे दोगे। इसके अलावा क्या कोई एक्स की पावर पांच बनाने का रास्ता है? बोलो। सर बस तो यहां से कोफिशिएंट क्या आएगा, टोटल 20 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, कॉन्स्टेंट की पावर 15, तो 4 की पावर 15 माइनस 3 की पावर 5 और 7 की पावर 0 प्लस दूसरा यहां से 20 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 4 की पावर 16 माइनस 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 प्लस तीसरा 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 की पावर 17 माइनस 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो मल्टीनोमियल से ऐसे कर सकते हो आप, क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट है इसी के अंदर, बस वो नोट कर लो लास्ट, कि जो मैंने अभी बताया था ना फॉर्मूला, चाहे तो उसके नीचे लिख लेना पीछे जाके एक पेज जो आपके नोट्स आप बना रहे हो, कि K1x+K2y+K3z है ना, इस तरह से कोई भी सीरीज है ना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो इसी चीज को मैं जनरलाइज कर दूं, मान लो x1+x2+x3+ से लेके xk है ना, k वेरिएबल्स हैं, ये तीन है, फिर चार है, फिर पांच, ऐसे k है की पावर n में टोटल टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स उसका एक फॉर्मूला है n+k-1 c k-1, किसका फॉर्मूला है, टोटल टर्म्स का, n+k-1 c k-1, जैसे मान लो इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा तो n+3-1 c 3-1 आंसर आएगा n+2 c 2। ठीक है, अब जैसे ये मान लो क्वेश्चन आ गया कि x+2y+3z है की पावर 30 है, तो टोटल टर्म्स पता कितने होंगे, 30 प्लस के तीन वेरिएबल है, 3-1 c 3-1 तो 33-1 32 c 2 आंसर आ जाएगा, क्लियर है? क्लियर है क्या फॉर्मूला? हाँ, अब इसमें ये नोट है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये x1 x2 ये सभी अलग अलग नेचर के हैं, है ना, जैसे मान लो इसके अंदर क्या है कि ये x है, ये y है, ये z है, अलग अलग नेचर के हैं इसलिए फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन जो मान लो मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया था आपको ऊपर 4-3x+7x2 की पावर 25 तक है, अब कोई कहे कि मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं और मैं बोलूं टोटल टर्म्स हैं 25+3-1 c 3-1 तो 28-1 27 c 2, वो नहीं आएगा आंसर, वो गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें ये एक्स और ये एक्स सेम है, मिल सकते हैं आपस में, भाई मान लो यहां से एक्स की पावर 4 आ गया और यहां से एक्स की पावर 4 आ गया, वो दोनों आपस में क्लब हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर हम उसको क्या गिन रहे हैं, वाई की पावर 4 आ गया, जेड की पावर 4 आ गया, वो अलग अलग टर्म गिना जा रहा है, वो क्लबिंग नहीं हो सकती, मतलब हर टर्म अलग गिना जा रहा है, इसलिए टोटल टर्म्स ये पॉसिबल है, लेकिन इसके अंदर यहां से एक्स की पावर 8 आ गया, यहां से एक्स की पावर 8 आ गया, वो तो मिक्स हो जाएगा, तो पूरा आंसर नहीं बोल सकते आप, वो गलत हो जाएगा आंसर, तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये अलग अलग टाइप के हैं ना तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो पहली बार, तो सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको पहले करा चुका हूं, याद करो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते थे, ये सबसे मिनिमम की एक्स की पावर 0 और मैक्सिमम की एक्स की पावर 50 और अंदर एक एक का गैप है 0 1 2, तो सभी टर्म आएंगे, मतलब एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 से लेकर एक्स की पावर 50 तक सब टर्म आएंगे, तो टोटल टर्म कितने हैं, सिर्फ 51 है, और अगर तुम यहां से आंसर देते हो ना तो ये बनता है 27 × 26/2, तो देखो कितना बड़ा आंसर दे रहे हो तुम, आंसर तो एक्चुअली में 51 है, तो ये टोटल टर्म्स वाला फंडा है, ये जो फॉर्मूला है ये तभी है जब ये सब अलग अलग हो और की पावर एन हो तो ये लगा सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला ऐसे केस में आप नहीं लगा सकते, इसको तो जैसे बाइनोमियल में डील करा है वैसे ही करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कोफिशिएंट निकालना है तो वो अगर इनकी पावर्स का सम एन के बराबर है तो वो फॉर्मूला है, अदरवाइज वो नहीं लगा सकते, अदरवाइज वो आंसर 0 आ जाएगा, तो उसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन को हमने पहले भी डील करना सीखा था, अब एक दूसरा मेथड आ गया अपने पास करने का, ठीक है जी, बस इतना सा है मल्टीनोमियल में, और कुछ खासी बात नहीं है।
ठीक है, चलिए बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।